पेंशनधारियों ने राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी पर नाराजगी जाहिर करते हुए पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने की मांग की। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले शासन की विभिन्न योजनाओं के पेंशनधारियों ने धरना प्रदर्शन किया और घोषणा पत्र के अनुरूप पेंशन में वृद्धि किए जाने की मांग प्रदेश सरकार से की है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग पेंशनधारी शामिल हुए। निराश्रित पेंशन संघ ने कहा कि भूपेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1500, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1000, वही विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने 4 साल बीतने के बाद भी अब तक इन योजनाओं की पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं की है। प्रदर्शनकारी पेंशनधारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पेंशन में वृद्धि करने की मांग की। आज ये जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनको बहुत कम राशि से अपना गुजर बसर करते हैं। ऐसे निराशित पेंशनधारी, विधवा, विकलांग, प्रत्यक्ता, वृद्धजन, इनको आज इसलिए बुलाया गया है कि पिछले बार सरकार चुनाव के पहले अपनी जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि निराश्रित जो विधवा महिला है उसको 1000 रुपया, बुजुर्ग पुरुष महिला उनको 1500 देने का जन घोषणा पत्र में कहा था, परंतु सरकार के 5वां साल चल रहा है, वो आज तक 1 रुपया बढ़ा नहीं पाया और ये पेंशनधारी हताश परेशान होकर आज इस सड़कों में बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे कि आप ये आपने 5 साल पहले चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था उस वादा को तत्काल पूरा करें और इनके अधिकार की जो मांग है उसी लड़ाई लड़ने के लिए आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं निराश्रित संघ के चूंकि इस पेंशन संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरा भी मन में पीड़ा था कि वाकई में सरकार जो जन घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसके वादों को पूरा करना चाहिए। अगर हितग्राही को मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा संघर्ष रहेगा, लड़ाई लड़ेंगे। फिर न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।